हेलो, मैं अखिलेश जी। और मैंने बहुत सारे वीडियो स्कूटनी पे और बाइक के ऊपर बनाए, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को कन्फ्यूज़न बना हुआ है। देखिए, इसमें अब इस वीडियो में मैं केस 1, केस 2, केस 3 करके और जो मेरे और समझ में आया आप लोगों के कमेंट देखने के बाद, उसके हिसाब से वीडियो ये मैं बना दे रहा हूँ। तो मुझको उम्मीद है कि इसके बाद आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके डाउट बने रहते हैं तो फिर लिखिएगा, तो उसको फिर हम देखते हैं। पहली बात ये समझिए कि अगर मान लीजिए आप जो है दो सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, और वो अलग अलग है ग्रुप में। जैसे हमारे यहाँ कॉमर्स में एक आप अकाउंट में फेल हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, अलग अलग ग्रुप हो गया, तो उसमें अगर आप फेल हो गए तो फिर अब आप जो है बैग तो भर नहीं पाएंगे क्योंकि आप ईयर बैक हो गए। अब इसमें करना क्या है, अब आप स्कूटनी भर दीजिए, ठीक है, स्कूटनी भर दीजिए, तो स्कूटनी में चांस है कि नंबर, अब कह रहे सर स्कूटनी में नंबर बढ़ते हैं, भाई मैंने देखे हैं नंबर बढ़ते हुए। तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम रिजल्ट होता है कि नो चेंज, ये बात सही है, लेकिन कुछ के बढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि उसमें आपका चांस रहा, आपका बढ़ गया नंबर और एक में आप पास हो गए, तो आपको अलग से थोड़ा सा वक्त मिलेगा जिसमें कि आप बैग का अपना भर पाएँ, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव आया रिजल्ट तो नहीं तो फिर नहीं। खैर, इस आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि आप बैग तो वैसे भी नहीं भर सकते, पहला केस। दूसरा केस में अगर जो है आपका नंबर कम है, आप पास हैं लेकिन आपका नंबर कम है और आपको ये डर लग रहा है कि अगर हम नंबर बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट दें और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, तो अब उसमें आप ये काम करिए कि आप सिर्फ स्कूटनी जाइए, बैग और इम्प्रूवमेंट के चक्कर में ना पड़िए। फिर आप वो केस 2 में आप इस हिसाब से देख लें। और जो कह रहा है, अगर आप मान लीजिए एक ही ग्रुप में, केस 3 अगर हम बात करते हैं, एक ही ग्रुप में दो सब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे कोई बी मतलब हमारे यहाँ अगर आप देख लीजिए कि आप अकाउंट्स और लॉ में फेल हो गए, या अगर आर्ट है तो बीए का मान लीजिए बीए में हिंदी का पेपर है तो हिंदी में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके पेपर है, उसमें अगर सिर्फ एक ही ग्रुप में फेल हैं तो नीचे आपके रिजल्ट लिखा होगा एलिजिबल फॉर सेकंड एग्जामिनेशन। तो अगर इस तरह की बात लिखी हुई है तब आप स्कूटनी सुटनी चक्कर ना पड़िए, आप सीधे बैक का फॉर्म भरिए और बैक का पेपर दीजिए तैयारी करके, ठीक है। ये मेरा अपना इसमें पूरा मतलब ये मेरा अपने पर्सनल विचार हैं, ठीक है, बाकी आपको जो चीज़ समझ में आए वो करिए, लेकिन मेरा अपना पर्सनल विचार और कई सालों की एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि एक बात ये पूछी गई कि साहब बैक का एग्ज़ाम कब होगा, मेरे जो पास जो इन्फॉर्मेशन है बैक का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं कोशिश कराने की, तो एग्ज़ाम सितंबर में होगा। अब जो है उसके बाद कहा कि साहब इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो पहले एग्ज़ाम होने दीजिए फिर रिज़ल्ट भी आएगा, और सबसे पहले थर्ड ईयर के रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि उनको आगे जाना है अलग अलग जगह पे, पहले थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट ईयर, इस तरह से आएगा। दूसरी चीज़ ये कि एक बात और पूछी गई कि साहब इम्प्रूवमेंट या बैक वाला जो फॉर्म है उसमें हम जो नंबर पाएंगे और वो नंबर चढ़ेगा कि जो पहले हम पाए थे वो, तो अगर मान लीजिए कि उसमें नंबर वो चढ़ेगा जो आपका बाद में आपने जो पेपर दिया उसका, पहले आप कुछ भी नंबर, ये बात मैं पहले भी वोट वीडियो में बोल चुका हूँ। जैसे अब एक हमारे यहाँ पर्सन थे बिजनेस कम्युनिकेशन में, दो उस समय एक दो दो मतलब मेरा स्टूडेंट था, तो वो दो ग्रुप में था, बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट एक ही में था पहले, तो अब वो एक कम्युनिकेशन में 16 नंबर पाया था और इन्वायरमेंट में 40 नंबर पाया था, तो उसने कहा एक ही ग्रुप में है तो दोनों का फिर से दे देते, अब दोनों का फिर से दे दिए, अगली बार क्या किए कम्युनिकेशन में पा गए 40 और इन्वायरमेंट पा गए 16, तब फिर मामला फंस गया, आप तो लटके ही गए। तो इस तरह की मतलब हरकतें मत करिए, या प्रयोग करने की चीज़ें नहीं है सब, तो जो मतलब अपना फेल ओल हों तो बस वही करें, बाकी के वो प्रयोग करने की चीज़ नहीं, अगली बार आप पढ़िए अच्छे से करिए। दूसरा बोल रहे हैं कि साहब बैग की चीज़ें मार्कशीट पर लिखी रहेंगी, हाँ भाई बिल्कुल लिखी जाएंगी, क्यों नहीं लिखी जाएंगी, मार्कशीट पर लिखी जाएंगी, ठीक है, तो वो रहेगा एक।
हाँ, अब एक बात ज़रूर है कि जैसे आप फर्स्ट सेकंड ईयर में कुछ भी करते हैं, बैक एक्स एक्स कुछ भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन चीज़ है कि थर्ड ईयर में मत करिए, क्योंकि थर्ड ईयर में करेंगे तो सब चीज़ डिग्री में लिख जाएगी। ठीक, तो ये सब अपना सोच समझ के काम करिए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इसको मतलब आप जो भी आपके साथी जिनको इसकी ज़रूरत है उसको उनको शेयर कर दीजिए, और मतलब क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई समस्या परेशानी बनी रहती है तो जैसे अपने बॉस को लिखते हैं, लिख के बोलते हैं पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।